हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज आपके लाए को नई ड्रैग रेस की वीडियो, अपनी फास्टेस्ट वीटेक की एक और वीटेक के साथ। तो गाइस, जोक्स अपार्ट, दोनों होंडा सिटी 4 जेन है, दोनों होंडा सिटी पेट्रोल्स है, दोनों होंडा सिटी मैनुअल्स हैं, ठीक है। तो पावर स्पेक्स की बात कर लें तो ये जो गाड़ी आती थी 118 BHP एंड 145 Nm, दोनों गाड़ियाँ सेम है, तो एक एक करके बताने का फ़ायदा नहीं है, ठीक है। दोनों गाड़ियों में 118 BHP 145 Nm, ठीक है। दोनों मॉडल भी सेम है, वी मॉडल जो आता था 2021, ठीक है। टायर भी दोनों में 15 इंची के हैं। बस क्षितिज भाई का हमारा क्लेम था कि उनकी 4 जेन ना फास्टेस्ट है, ठीक है। तो आज हम यही कंपेयर करने वाले हैं कि उनका क्लेम एक्चुअली में रियल है या नहीं, दोनों गाड़ियाँ सेम परफॉर्म करती हैं। बाकी पूछ भी लेते हैं एक बार भाई से। हाँ जी, फास्टेस्ट वीटेक क्या लग रहा है आपका क्लेम जो था, आज आप कर पाओगे ट्रैक के बाद? आपको क्या लग रहा है? फास्टेस्ट वीटेक की लग रही है। फास्टेस्ट वीटेक की लग रही है। एंड भाई, आप कैसे हो? बढ़िया भाई। आपको क्या लग रहा है आपकी 4 जेन है? भाई पूरा चांस है जीतने का। चांस है? कोशिश करेंगे पूरी। क्या लग रहा है रितेश भाई? पता नहीं भाई, टक्कर का है। दोनों सेम गाड़ी है यार, ड्राइवर पे बात आएगी, मेन ड्राइवर का खेल बताएगा आज। तो चलो गाइस, चलते हैं वीडियो की तरफ, मिलते हैं आपसे वीडियो के बाद। बने रहिए अपने तुषार भाई के साथ। भाई मोड आता नहीं, ट्रैक्शन आता नहीं, सिर्फ एसी ऑन या ऑफ कर सकते हैं। एसी ऑफ दोनों गाड़ियां मैक्सिमम, ठीक है भाई। ड्राइवर गाड़ियां सेम है, सब कुछ सेम है, ड्राइवर ही चेक होगा आज तो। बस एक चीज का फर्क है, उसमें DIA कोल्ड एयर इनटेक लगा हुआ है। वो जब चेक हो जाएगा ना। और वो कितनी चली हुई है? 15,000। थ्री टू वन, आप रेडी हो ना भाई? पूरा 4:30 तक करना, शीशा ऊपर कर लो। लॉन्च का फर्क आया है, बट गाड़ियों में ऐसा कोई बने कि कोई ज्यादा गैप बना रही है, वो लॉन्च का फर्क आ गया। स्पीड देख लो गाइस, ब्रेक ले लिए। फर्स्ट राउंड के मेरे तो अपने क्षितिज भाई की फास्टेस्ट वीटेक रहती है, बट मैं सही बताऊं तो लॉन्च का फर्क आ गया, हमसे थोड़ा डिले हो गया, उस चीज का मैं बोलना चाहूंगा। अब ट्राई करेंगे पूरा अच्छे से, कोशिश करेंगे भाई। वो कब लॉन्च डिले अपनी तरफ से भी हो गया थोड़ा, हाँ कोई ऐसा गैप नहीं बना रहे आप, कोई ऐसा आपका गैप नहीं बन रहा, जो लॉन्च का था ना वो कॉन्स्टेंट रहा है। हाँ अब ट्राई करते हैं अच्छी तरह करने का। करा दो 3-2-1 रेडी। वो फिर जब मार रहा है, भाई ऐसे तो फायदा ही नहीं आएगा, जंप हो रही है क्षितिज भाई से गाड़ी, ब्रेक ले लो भाई। भाई जंप हो रहा है यार उधर से, आपका लेट हो रहा है आपकी वाली तो। आपका एक बारी तो चल, मैं चला लेता हूं एक बारी, चला चलो। तो अब ड्राइवर चेंज कर दिया, मैं चला रहा हूं, ठीक है। बाकी सेटिंग सेम ही है, एसी ऑफ दोनों गाड़ी का। हां आ जा भाई, आ जाओ फास्टेस्ट भाई। 155-160 के अराउंड ब्रेक ले रहा हूँ, क्योंकि रोड बंद है आगे भाई। कोई लॉन्च में दिक्कत रही क्या? अतीशे को चलवानी है गाड़ी अपनी एक बार तेरे को, इस राउंड के बाद सब ठीक रहा ना? फेयर जीती है, कोई जंप भी नहीं हुआ, मतलब अभी कोई जंप तो नहीं हुआ था ना दोनों से? हाँ चलो रेडी। 3-2-1 फर्क आ जाएगा थोड़ा सा, आगे रहेगी अपनी।
कर्व के परख से वो आगे आई है थोड़ा बहुत लिमिटेड बट विनर 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 भाई दिल जीत रही है गाड़ी लॉन्च फोल्डर डिलीट था या इसका जंप था पर उसके बाद भी तूने कवर कर लिया था और टाई हो गया था। अब बताऊं क्या हुआ है, अगर मैं पोटेंशियल की बात करूं तो ये आगे निकल रही है। आप थोड़ा सा बताओ क्यों मेंटेन है, क्योंकि कर्व आपको छोटा पड़ गया था। चला अब आप चला लो, अब दोनों बढ़िया बजट ड्राइवर। अब असली गाड़ी बात चलेगा, रेटो वन तेरी गाड़ी से। हाँ, गाड़ी तो सेम है। हाँ हाँ, पहले भी वही हो रहा था बट लेकिन मैं ये चीज चेक करूं इसकी गाड़ी लॉन्च में ऐसा होने के बाद भी ना पोटेंशियल में आगे निकल रही है। ये गाड़ी दिख रही है ना भाई? हाँ, ऑन है ना कैमरा भाई? हाँ हाँ, पता है मेरे को क्यों नहीं बिलीव हो रहा भाई कि ये गाड़ी मेरे को तो नहीं लगता था कि जीतेगी बट जीत रही है। तो भाई जा रहा भाई, भाई बीच पे की दिया बिल्कुल भी गाड़ी कोई लॉन्च मैसअप हो रहा है गाड़ी था ये तो एनए गाड़ी है भाई, ये टीआई के बट टर्बो बन गई है। अच्छा कभी कभी बढ़िया परफॉर्म करती है कभी लग जाता है, जैसे कि होता है 4,500 पे जब हिट करता रहता है आप क्रश डंप करते हो। हां क्योंकि हां अपना तो क्रश डंप होता है होंडा का, एकदम ऐसे पीस पे आ रही है तो क्या करे फिर बताओ तो क्या करे फिर चल एक बारी कर वरना रोलिंग कर। ठीक है रोलिंग ही ट्राई कर ले कोई नहीं, इस ड्राइव बन भी मैं ट्राई कर लूंगा। तो गाइस एक और ड्रैग कर रहे हैं फाइनल, फिर इसमें जो रहता है रहता है। लो भाई राउंड भी अपने ग्रे वाली होंडा सिटी ही जीतती है। फाइनल ट्रैक का कंक्लूड कर लिया, बाकी अब रोलिंग कर लेते हैं। रोलिंग में क्या पता कोई रिजल्ट्स में चेंज आ जाए। तो गाइस अब रोलिंग राउंड होने जा रहा है फर्स्ट गेट 20 से, एसी ऑफ है दोनों गाड़ियां, फर्स्ट गेट 20 तीन ऑन भाई दे देंगे, तीन हो ना आप। देखो इसमें कोई व्हील्स भी नहीं बट देखो पोटेंशियल में जा रही है, पोटेंशियल में देख जा रही है। अब कर्व का बेनिफिट मिलेगा तो मिलेगा उसको बट पोटेंशियल में यही है आगे। मैं बाकी पूरी ट्राई करूंगा, यही है कर्व का मिला है तेरे को, कर्व का बेनिफिट हुआ है भाई, कर्व का फायदा उठा के कह रहे हो आगे निकल रही है। तो फायदा तो हो ही रहा है, बट थर्ड इसका स्ट्रांग लगा बट ये फिर भी जा रही है आपकी आगे। ये भाई ठंडी, एक बार दोबारा कर लो सेम स्पेक्स, ये तो अभी कर ले एक रोल और उसके बाद गाड़ी ठंडी होने से फिर ट्रैक करेगी। हां ठीक है, अभी एंडिंग ही बना रहे हैं, रोलिंग कर। अब मैं हॉर्न दे दूं, ठीक है फर्स्ट गियर 20 आ जाओ। एक चीज बताऊंगा गाइस, हॉर्न का ही बेनिफिट होता है, तो एक बार मैं हॉर्न देकर दिखाता हूं। रेडी भाई? दोनों गाड़ी बराबर, पोटेंशियल में थोड़ा थोड़ा बोनट आगे निकल रहा है इसका, थर्ड में ले गई, अटक गया गियर, अटक गया यार। रेडी भाई? रेडी रेडी चलो चलो
बराबर, एकदम टक्कर का मुकाबला इस बार, एकदम टक्कर, दोनों गाड़ी बराबर। हल्का बोनट करेगा आगे, बट अब वो आगे आ रही है, बैठा नहीं है, आगे आ रही है। चल चल चल, दोनों गाड़ी टक्कर में, तो गाइज राउंड्स आपने देख लिए होंगे, क्लिप्स आपने देख ली होंगी, जो हमारी होंडा सिटी फोर जन क्षितिज भाई वाली थी, जो फास्टेस्ट वीटेक जो उनका क्लेम था, तो गाइज उसने इतना कोई ज़्यादा परफॉर्म नहीं करा अच्छी तरह से, दोनों गाड़ियाँ इक्वली मैच हुई हैं, ठीक है। मेन बात था ड्राइवर डिफरेंस के ऊपर, जो गाड़ी बेटर लॉन्च हो रही थी ड्रैग में वो जीत रही थी, बट ओवरऑल हमारी ग्रे वाली होंडा सिटी ही जीती है। एंड वही बात अगर आप कर लो रोलिंग की, तो रोलिंग में भी हमारी ग्रे वाली होंडा सिटी ही आगे रहती थी टिल 140-145, बट ड्यू टू शॉर्टर कर्व वाइट वाली होंडा सिटी एंड में एकदम टॉप एंड में पकड़ती। अब हमारे पास उससे ज्यादा लंबा ट्रैक था नहीं टेस्ट करने के लिए, तो जितना पॉसिबल हमसे बेस्ट पॉसिबल वे में था हमने करके दिखा दिया। बाकी जो हमारे क्षितिज भाई थे वो कह रहे थे कि उनकी गाड़ी आज शायद अंडर परफॉर्म कर रही है, तो गाइज आज के रिजल्ट्स के हिसाब से मैंने आपको दिखा दिया है। इन फ्यूचर हम दोबारा ये ड्रैग रेस शूट करेंगे, अगर रिजल्ट्स में कुछ चेंज आएगा तो आपको दिखाएंगे, हमारा काम है फेयर दिखाना, ठीक है गाइज। बाकी आज के लिए तो यही कुछ थी आज की वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करना, शेयर करना एंड हम सब के चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज़।